नमस्कार, एसबी न्यूज के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं साक्षी निर्वाण, आइए शुरुआत करते हैं आज की कुछ खास खबरों से। जनपद मैनपुरी के कस्बे में ज्ञानदीप मॉडल स्कूल सादाबाद रोड बेवर में 31 मार्च को कक्षा 1 से आज तक की छात्र छात्राओं को परीक्षा परिणाम पत्र दिया गया। स्कूल में विद्यालय में जो बच्चे टॉप 10 में आए हुए हैं, उन बच्चों को कार्यक्रम में आए हुए मुख्य अतिथि पीपी सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी मैनपुरी, विशिष्ट अतिथि आराधना गुप्ता, प्रमुख समाज सेविका मैनपुरी तथा उनके साथ अतिथि के रूप में आए रविन्द्र कुमार गौड़ जिला स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी ने सभी बच्चों को प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया। कार्यक्रम में आए मुख्य अतिथि के अलावा सभी अतिथियों का विद्यालय के प्रधानाचार्य उमेश कुमार राठौर तथा सौरभ प्रताप सिंह ने माल्यार्पण कर तथा प्रतीक चिन्ह व शॉल ओढ़ाकर भव्य स्वागत किया। इस मौके पर सभी बच्चों के चेहरे रिजल्ट पाकर खिल गए। बच्चों ने एक दूसरे को मिठाइयां खिलाई तथा खुशी का इजहार किया। मुख्य अतिथि ने क्या कुछ कहा, देखिएगा ये पूरी रिपोर्ट। आज बच्चों को परीक्षा फल दिया गया है, किस तरीके से क्या बात हुई? ये इनका परीक्षा बल वितरण कार्यक्रम था। इसमें अभी हम लोगों को आमंत्रित किया गया और बच्चों ने काफ़ी अच्छी मेहनत की है। कई बच्चे जो है बहुत अच्छे परीक्षा में पास हुए हैं और उसके साथ साथ हमने जो अभी संचारी का समय शुरू होने वाला है, बच्चों को संचारी के संबंध में भी मतलब उन्हें कैसे बचाव करना है मच्छरों से और मौसमी बीमारियों से, उसकी भी जानकारी दी। किस विद्यालय में ये कार्यक्रम किया गया? ये ज्ञानदीप वेवर के विद्यालय में कार्यक्रम। कितने छात्र छात्राओं को पुरस्कार दिया गया? वो सभी जो अच्छे मेरिट वाले बच्चे थे उनको जो है पुरस्कार वितरण किया गया है। उनको परीक्षा पर भी सभी बच्चों को, इस तरीके के बच्चों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? हम उनके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और बच्चे इसी तरह से अपना पढ़ने में ध्यान लगाएं जिससे देश के विकास करने में उनका सहयोग प्राप्त हो। फिलहाल की खबरों में इतना ही, आप देखते रहिए एएसबी न्यूज़।